ये है मेरे पास 5 सूट जो कि बेइंतहा खूबसूरत और नफासत से सिले हुए ये सूट हैं। चाक दामन आप लोग चेक करें कि हैरान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइंस जो कि आप लोग देख के ना बस हैरान रह जाएंगे। आप लोग कहेंगे कि बस हमें ये स्टिच करना ही करना है डिज़ाइन, ठीक है। तो मेरे पास ये ड्रेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ड्रेसेस हैं मेरे पास, उनकी मैं आपको डिटेल दूंगी। बहुत ही प्यारी निफास। चलें जी अब हम स्टार्ट करते हैं। जो कि मेरे पास सूट रखे हुए हैं 5, मेरी यही कोशिश होती है कि नए से नए डिज़ाइन ना आप तक पहुंचा सकूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन स्टिच हुए हैं। ये है मेरे पास सारे ड्रेस, ये है 2 पीस। इसकी कटिंग स्टिचिंग मैं आपको बता चुकी थी, दूसरे ड्रेस की सेम इस तरह का था दूसरा। और ये है 3 पीस, बहुत ही खूबसूरत आउट क्लास स्टिच हुए हुए हैं। और ये है 4था और ये 5वां, ठीक है। इन सब की डिटेल मैं आपको दूंगी, चले वन बार करके मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, इन सबको मैं साइड पे कर देती हूँ, इसको, इनको, इसको और इसको। सबसे पहले मैं आपको इसकी डिटेल दूंगी इस ड्रेस की कि ये कैसा है। ये है इसकी शर्ट। सबसे पहले मैं आपको इस शर्ट के बारे में बताऊँ, ये देखें कितना खूबसूरत ये इसका नेक डिज़ाइन ऐसे स्टिच हुआ हुआ है। ये देखें इस तरह स्टिच हुआ हुआ है, बीच में इन्होंने लगाई हुई है बटन और यहाँ आ रही है जीपीओ भी। राउंड शेप में ये नेक डिज़ाइन है और नीचे वी शेप में दिया हुआ है और बीच में बटन लगाए हुए हैं। ये बटन बाजार से इजीली मिल जाते हैं और ये लूप्स ट्राउजर के बना के आप लोग लगा सकते हैं। और ये देखें नेक डिज़ाइन, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये लार्ज साइज में है और ये इसकी स्लीव्स हैं, स्लीव कुछ इस तरह बनी हुई है बीच में जॉइंट बेल ऐसे लगा के, और ये किनारे की और अंदर पलटावा ऐसे लगाया हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और नीचे ये देखें, नीचे भी इस तरह स्लीव्स की तरह इन्होंने दामन बनाया हुआ है। ये मेरी स्टिचिंग नहीं है लेकिन ये बहुत ही कमाल ऐसे स्टिचिंग, बहुत ही नीट एंड क्लीन स्टिच हुआ हुआ है। ये है इसकी शर्ट, ट्राउज़र इसका प्लेन है और ये है इसका दुपट्टा। दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत है, ये अलकरम का सूट है, बहुत ही प्यारा। ही देखें ये है इसका दुपट्टा, जो कि दुपट्टे पे ये चारों तरफ इस तरह बेल लगा के इस तरह पलटावा लगाया हुआ है, आजकल बहुत ट्रेंडिंग पे है। इससे ये होता है कि आपका जो है ना कॉर्नर जो है एक लुक आ जाती है, बड़ी हैवी सी ना दुपट्टा चुड़पुड़ नहीं होता, जिस तरह साइडों से ऐसे क्रीज बन जाती है इस तरह हो जाता है। तो इस ये आप लगा लिया करें, मेहनत तो है लेकिन अच्छी भी तो चीज़ लगती है ना पहन के। ये हो गया था ये ड्रेस, ये अलकरम का सूट है, बहुत ही प्यारा। चलिए जी अब आ जाते हैं दूसरे ड्रेस पे, इसको हम कर देते हैं साइड पे। ये वाला जो सूट है ये मेरे पास है, ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा है, खूबसूरत गला कुछ इस तरह बना हुआ है, ये देखिए वी शेप पे कॉलर नेक कहते हैं क्या कहते हैं इसे, बहुत ही प्यारा। और साइड पे इसके बॉर्डर लगा हुआ है शर्ट के, और दामन आप इसका चेक करें, ये देखिए ये इसका दामन है। नीचे दामन पे पिंटेक्स लगी हुई है, 3 इंच पे लंबाई थी इसकी और चौड़ाई अपने दामन के हिसाब से आप देख लीजिएगा। ऊपर सेंटर बेल है और नीचे जो है ये बेल लगी हुई है जीपीओ बेल, और पीछे पलटावा ऐसे लगाया हुआ है। ये देखें बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही सफाई से स्टिच हुआ हुआ है, ये देखें। अच्छा, इसके साइडों पर मैं आपको बता रही थी ये बॉर्डर लगा हुआ है, स्लीव्स भी कुछ इस तरह से हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। जिस तरह दामन दिया हुआ है इसी तरह ही ये स्लीव्स हैं, ये देखें आप लोग, बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन बना हुआ है। ये सफ़ायर का सूट है, ये 3 पीस सूट है सफ़ायर का। ये इसकी शर्ट है, ये इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र प्लेन है, और दुपट्टा ये इसका बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा है। ये सफ़ायर का सूट है, 2024 की कलेक्शन में से ये लिया था। इसके बॉर्डर पे कुछ नहीं, सिंपल इसकी जी बेबी पिक हुई हुई, आप लोग चाहें तो पलटावा लगा सकते हैं। इसको मैं कर देती हूँ साइड पे, ये भी हो गई थी इसकी डिटेल जो कि मैं आपको दे चुकी हूँ। टैप करना बहुत मुश्किल है, खोल तो मैं रही हूँ लेकिन बस ये देखें इसको साइड पे कर देती हूँ। तो अब आ जाती है इस ड्रेस की डिटेल। आप लोग सोच रहे होंगे इसकी मैंने कटिंग स्टिचिंग पहले दी थी तो अब ये क्यों दिखा रही है दोबारा, लेकिन ये वही ड्रेस है लेकिन इसकी कटिंग बिल्कुल डिफरेंट है, इसका पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है, इसका स्टाइल, इसका डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट है। ये देखें जी, ये है इसकी शर्ट। आजकल लॉन्ग शर्ट्स चल रही हैं, लंबे लंबे चाक चल रहे हैं। इसकी जो ये है स्लिट, साइड स्लिट्स जो कहते हैं,
ये मेरे ख्याल से 9 इंच की है साइड स्लिट्स, काफी लंबे इसके चाक हैं। अगर आप लोग चाहें, ये मैंने वो चीज बनाई है, अगर आप अनकंफर्टेबल फील हो तो ये बटन आप लोग इस तरह लगा सकते हैं। ये देखिए इसका साइड का डिजाइन आप लोग चेक करें, ये मैंने स्टिच किया है। ये इतना लंबा सूट हो गया था, इतनी गर्मी में मैंने स्टिच किया है कि सी रही थी ऐसा लग रहा था कुछ सी ही नहीं रही मैं, इतनी मेहनत की, इसके 4 से 5 दिन इसको लगे थे। अच्छा इसका दामन आप लोग देखें, ये गौर से देखें, ये देखें ये इसका दामन है। ये ऑर्गेन्जा पे मैंने 1-1 इंच के गैप से इस तरह प्लेट्स लगाई हैं और ऊपर इसके बेल लगाई है और बेल के ऊपर मैंने फिर प्लेट्स दिए हुए 3-3 प्लेट्स। ये दामन है, बहुत खूबसूरत दामन है और चारों तरफ मैंने इसके पलटावा लगाया हुआ है इस पूरी शर्ट पे। और गला कुछ इस तरह से है, बोट नेक में मैंने गला दिया हुआ है, 2 लाइंस मैंने किंगरी वाली बेल की ऐसे ऐड कर ली थी। अच्छा स्लीव्स की तरफ आ जाएं, स्लीव्स की डिटेल ये है, स्लीव्स कुछ इस तरह से बनी हुई है, 3 प्लेट्स लगा के ये बेल लगाई, बेल के बाद ये सेंटर बेल लगाई है, देखें आप लोग सेंटर बेल लगाई है मैंने और ऊपर ये थोड़ा सा कपड़ा लगा के पैच लगा के ऊपर ये मैंने दोबारा किंगरी वाली बेल लगाई है, जो कि बहुत खूबसूरत स्लीव्स लगती हैं। ये देखें आप लोग, ये चेक करें आप, बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा आपके आपने ना इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, अगर आपने लंबे चाक रखने हैं ना, साइड स्लिट्स छोटी रखनी है, आपकी कमर ना दिखे, इसके साथ आपने जो ट्राउजर है ना छोटा नहीं रखना, इसके साथ आपने एक्स्ट्रा लंबा ट्राउजर रखना है, 2 से 2.5 इंच लंबा, लंबा मतलब आसन से आपने लंबा रखना है। ये देखें कितना लंबा रखा हुआ मैंने आसन से, क्योंकि ये साइड की स्किन आपकी नजर ना है, कमर नजर ना है, उस हिसाब से अगर आपने ये स्लिट्स छोटे रखना है तो ट्राउजर आपका ऊंचा आप पहनेंगे इतना। और ये है ट्राउजर, ट्राउजर मैंने स्ट्रेट रखा था लूज में, ये देखें इस तरह से एक मैंने लूप लगा दिया और सिर्फ लूप ही लगाया है। ये देखें ट्राउजर है, ठीक है बहुत ही खूबसूरत ये ट्राउजर है, इसको आपने लंबा रखना है, अगर लंबे लंबे चाक रखने हैं आपने तो इसको लंबा ही आप रखेंगे ट्राउजर को। चलिए जी इसको कर देते हैं हम साइड पे। अब एक सूट ये आ जाता है, इसके साथ जी दिया गया है बहुत ही प्यारा ट्रेंडी डिजाइन जो कि आजकल बहुत फेमस है। अच्छा इसका नेक डिजाइन जो है वो है प्लेन, गला आप कुछ भी अपने साथ स्टिच कर लें, गला रहने दें ठीक है। अच्छा जी ये देखें, ये है इसका दामन, बहुत ही प्यारा हसीन, ये देखें चेक करें आप लोग, ये बेल ऐड की हुई है, यहाँ ये कपड़ा लगाया हुआ है फिर बेल ऐड की हुई है। इसकी मैं आपको बैक साइड दिखा दूं जो कि बहुत ही ज्यादा फिनिशिंग से स्टिच हुआ हुआ है और पूरी शर्ट पे चाक, दामन पे पलटावा लगा हुआ है ट्राउज़र के कपड़े का। अच्छा ये जो चाक है ना बहुत ही खूबसूरत मुझे लगा है इसका डिज़ाइन, तो मैं ना बहुत जल्दी इसके ना वीडियो अपलोड करूँगी, इसका पूरा ट्यूटोरियल, इसकी कटिंग स्टिचिंग आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, बस थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा इस वीडियो के लिए। अगर आप मेरे न्यू व्यूवर्स हैं तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको न्यू से न्यू ट्रेंडी एंड ब्यूटीफुल डिज़ाइन मिल सके, आप तक पहुँच सके। ये है इसका चाक हो गए, बहुत ही कमाल खूबसूरत, ठीक है इसी तरह ही इन्होंने सेम इसकी स्लीव्स पे ये डिज़ाइनिंग की हुई है बहुत ही खूबसूरत। ये डिज़ाइन वाकई बहुत खूबसूरत है और बहुत ट्रेंडिंग पे है, आप लोग सफाई इसकी चेक करें। चले जी इस सूट को भी हम कर देते हैं साइड पे, सबसे प्यारा ये सूट है और ट्राउज़र इसका प्लेन है, ये प्लेन ट्राउज़र है। अच्छा आ जाता है एक ये वाला सूट, ये वाला सूट भी सफायर का ये सूट है। सबसे पहले मैं आपको इसको दिखा देती हूँ ट्राउज़र, ट्राउज़र नीचे जो इस पर डिज़ाइनिंग हुई हुई है वो ये डिज़ाइनिंग है, नीचे पिनटेक्स्ट लगा के ऊपर बेल है और नीचे बेल ऐसे ऐड की हुई है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और इसी तरह ही शर्ट है, शर्ट का डिज़ाइन बहुत प्यारा है। ये उन लेडीज़ के ड्रेसेस हैं जो प्रेग्नेंट हैं, वो लोग कह रही थी हमें इन ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग बताएं। डिज़ाइनिंग तो आप हर ड्रेस पे कर सकते हैं, वो आप बस अपने साइज़ पे डिपेंड करते हैं, लूज स्टिच करवा लें। अच्छा प्रेग्नेंट ख्वातीन के लिए मैं एक बात बता दूँ, शोल्डर
आपके वही होने चाहिए जो नॉर्मल डेज में आपके शोल्डर रखे जाते हैं, वरना पता है क्या होगा, शोल्डर्स आप लूज सिलवा लेंगे, शर्ट आपकी ज़ाया जाएगी, मतलब बेबी होने के बाद बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा। शोल्डर आप उतने ही स्टिच करवाया करें जितने आपका बॉडी साइज है, और बस नीचे से कमर से हिप से लूज रखवाया करें, ताकि बस सिर्फ बाद में यहाँ से फिटिंग हो सके। अच्छा जी, इसके दामन की तरफ आ जाते हैं। दामन ये देखें, ऑर्गेन्जा लगी हुई है, हर एक एक इंच के गैप से ये ऑर्गेन्जा पे ये पिंटेक्स लगाए हुए हैं, और पिंटेक्स के ऊपर ये जो शर्ट का बॉर्डर था यहाँ पे एप्लिक करवाया है ऑर्गेन्जा पे, बहुत ही सफाई से ये एप्लिक हुआ हुआ है, और नीचे बेल लगी हुई है, और चाक दामन पे पूरे पलटावा लगा हुआ है, और पूरी शर्ट पे ये काम हुआ हुआ है। अच्छा देखेंगे, पूरी शर्ट पे ऐसे काम हुआ हुआ है, गला इस तरह से है ये। अच्छा गला जो है आप लोग इस तरह कभी मत करिएगा, मैंने आपको ये गला भी लगाना सिखाया हुआ है किस तरह आपने लगाना है, ये मेरी स्टिचिंग नहीं है, मेरी स्टिचिंग रेड ड्रेस है जो इससे पहले से पहले मैंने आपको दिखाई है। इसको आपने बैक साइड पे ऐसे फोल्ड करके बिल्कुल अंदर वाली साइड पे, या तो आप लोग तुरपाई कर लीजिएगा या तो इस्त्री से ही अंदर बिठा के एक सिलाई से आपने पूरा लगाना जी। इसका ट्यूटोरियल ना पूरा मैंने बताया हुआ है आपको कि आपने कैसे स्टिच करना है, ये जो वाइटनेस नज़र आ रही है इसको भी आपने अंदर करके ही स्टिच करना है, बिल्कुल गुम स्टिच करना है। वीडियो में जो है ना उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, वहाँ जाके ना आपको बहुत आसानी रहेगी, वो आपने देख के उसी को वैसे फॉलो करना है। और मुझे लाजमी कमेंट में बताया करें कि आपने कितना सीखा, क्या इम्प्रूवमेंट आ रही है आपके स्टिचिंग में। अच्छा जो स्लीव्स है, स्लीव्स इस तरह बने हुए हैं। अच्छा इसकी बैक साइड आप देखें, कपड़ा लगा हुआ है, और फ्रंट पे ऑर्गेन्जा है। मुझे तो बिल्कुल भी ऑर्गेन्जा नहीं पसंद, बहुत ज़्यादा चुभती है, बहुत ना इरिटेट करती है ये। अच्छा ऊपर बॉर्डर है, बीच में ये बेल है जॉइंट बेल, नीचे ऑर्गेन्जा है, ऑर्गेन्जा पे भी एक एक इंच की गैप से पिंटेक्स लगी हुई हैं, और नीचे ये बेल लगाई हुई है, और नीचे पलटावा ऐसे पूरा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सफाई से स्टिच हुआ है। अच्छा जो इसकी बैक साइड है, बैक साइड प्लेन है, और जो इसका दामन है, दामन पे पीछे इन्होंने बॉर्डर लगाया हुआ है, बॉर्डर के नीचे बेल लगाई हुई है, और वही पलटावा रिपीट किया हुआ है पूरा सब जगह। ये भी सफायर का ड्रेस है, ये है इसकी शर्ट, ऑल ओवर में सेम ट्राउजर है विदाउट एम्ब्रॉयडरी, और ये है इसका दुपट्टा, बहुत ही खूबसूरत। ये इसका दुपट्टा, ये भी सफायर का सूट है। अच्छा जी, इसके दुपट्टे पे भी इसी तरह ही बेल लगा के पलटावा लगाया हुआ है, ये देखें। सर पे ओढ़ने के लिए बहुत आसानी होती है, आप ऐसे करके ओढ़ के लें, ढलकता है, नीचे से उड़ता भी नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती इसमें। अच्छा जी, ये इन सब ड्रेस की मैंने आपको डिटेल बता दी थी, ये देखें, इन सब की मैंने आपको बता दी है डिटेल। ये सब मेरे स्टिच नहीं हुए हुए, मेरे हाथ का जो स्टिच हुआ हुआ है वो ये ड्रेस स्टिच हुआ हुआ है। अच्छा ये जो सूट है, मेरी बहन का सूट है, ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन ऐसा स्टिच हुआ हुआ है, ये देखें, सबसे हटके स्टाइल डिज़ाइन तो यही है, लेकिन जब आप अनकंफर्टेबल फील करें तो ये बटन लगा लें, नहीं तो आप इसको उड़ा ही रहने दें। चलें जी, ये हो गई थी कपड़ों की डिटेल्स। आपको पसंद आए आपने लाजमी मुझे बताना है कि ये डिज़ाइनिंग आपको कैसी लगी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ मिल सकें। अपना आपने बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।